ऐसा कोई अमीर नहीं है जो अपने बीते हुए वक्त को फिर से खरीद सके, और ऐसा कोई गरीब नहीं है जो अपने आने वाले वक्त को बदल ना सके। नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि मंगल से कौन कौन से राजयोग बनते हैं और उनसे क्या लाभ है, और आप किस तरीके से उनका लाभ उठा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल ग्रह से कौन कौन से राजयोग बनते हैं, इस पर बात करेंगे पंडित जी से। पहले ये समझ लेते हैं कि मंगल ग्रह का आखिर ज्योतिष में क्या महत्व है। पंडित जी, मंगल ग्रह की ज्योतिष में क्या भूमिका है? मंगल के राजयोगों की आज हम बात करेंगे कि मंगल के राजयोग अगर आपके जीवन में हैं तो उनका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा होता है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि मंगल हमारे जीवन में और ज्योतिष में क्या भूमिका निभाता है। देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, बुध को युवराज और मंगल को सेनापति। ये सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको सुरक्षा का सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं। स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, प्राण की सुरक्षा करने में मंगल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। मंगल दो राशियों के स्वामी हैं, मेष राशि के और वृश्चिक राशि के। दो राशियां मंगल के पास होती हैं। मंगल व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और शक्ति देता है। मंगल की वजह से व्यक्ति के पास साहस आता है, आत्मविश्वास आता है और शक्ति आती है। ये व्यक्ति को जीवन में सुरक्षित रखता है और जीवन में उतार चढ़ाव से बचाता है। मंगल के राजयोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर मंगल कुंडली में राजयोग दे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कम उम्र में सफलता मिल जाती है, व्यक्ति कम उम्र में ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। मंगल के राजयोग बहुत जल्दी काम करते हैं, तो जिनकी कुंडलियों में मंगल का राजयोग होगा, आम तौर पर 18 साल के बाद और फिर 24 साल के बाद उनका जीवन बेहतरीन तरीके से बदलना शुरू हो जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।